हम बचा सकते हैं अगर मैडम सर हुक्म करे, हम सारा आरोप अपने सर पर ले लेंगे। बस इनको बोलिए कि हमें ये कह दे कि इन्हें हमारा जरूरत है, हम सारा टंटा यूं ही निपटा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा सिंह, लेकिन अब तक हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए हमें किसी और की बलि चढ़ानी पड़े। इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ जॉन की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, आपकी कोई जरूरत नहीं है। पर सवाल ये है मैडम सर कि कौन यकीन करेगा उस मेडिकल रिपोर्ट पे जो पुलिस बनवा कर दे रही है, और अगर आ भी गया तो क्या कीजिएगा ऐसी मेडिकल रिपोर्ट का, जब जॉन को होश ही नहीं आएगा, उसकी तबीयत और बिगड़ गया तो क्या करेंगी आप? उसे होश आ जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। पुष्पा जी। जी मैडम सर। हॉस्पिटल जाइए, देखिए जॉन की क्या हालत है, और डॉक्टर से जो भी रिपोर्ट्स मिले तुरंत हमें अपडेट कीजिए। जी मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। और आप यहाँ क्यों आए? हमने तो आपको बुलाया नहीं। हम आपको इत्तला करने आए हैं कि कोई आपसे मिलने आया है। मैडम जी, हमारी जानवी की जान खतरे में है। मैडम जी, आज सुबह फिर से एक मैसेज आया है, हमारी बच्ची को बचा लीजिए मैडम जी। जानवी का मैसेज? नहीं मैडम, जानवी का नहीं, ये बैंक से है। दरअसल मैडम, ये मेरा और जानवी का जॉइंट अकाउंट है। आज सुबह इसने बैंक से 2 लाख रुपए निकाले, ये मैसेज उसी का है। निकाले हैं, छीने नहीं है। कोई भी किसी के अकाउंट से ऐसे जबरदस्ती इतना बड़ा रकम नहीं निकालता है। करिश्मा सिंह, हम बात कर रहे हैं ना, एक बात बताइए, आपके अकाउंट में अभी टोटल कितने पैसे हैं? ये 5 लाख के आसपास। 5 लाख? तो अगर कोई जबरदस्ती अकाउंट से पैसे निकलवाना चाहता है तो सिर्फ 2 लाख क्यों निकलवाएगा, पूरे 5 लाख निकलवाएगा। इससे ये बात साफ होती है कि ये कोई जबरदस्ती का मामला नहीं है। हो सकता है कि जानवी ने सोच समझकर जानबूझकर ये पैसे निकाले हों, पर क्यों? और अगर पैसे ही चाहिए थे तो इस तरह से लापता हो जाने की क्या जरूरत है? बहरहाल हम सोचते हैं इस बारे में, हम जरूर कुछ करेंगे। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको तुरंत इत्तला करेंगे। और हाँ, अगर जानवी का कोई मैसेज आए तो प्लीज आप हमें बताइए। आइए हम आपको बाहर छोड़ के आते हैं। ये तो वही लड़की है जो कल हमें मंदिर में मिली थी। क्यों बनाया मुझे ऐसा, इतना अजीब, इतना बदसूरत? मजाक उड़ाते हैं इस लंबी नाक का सब लोग, हंसते हैं मुझ पर, नफरत हो गई है मुझे खुद से। क्या वो मैडम, आप इतनी परेशान क्यों है? और अभी जानवी के पेरेंट्स भी गए, कोई अपडेट है, सब ठीक है? संतू, ये मामला ना थोड़ा सा पेचीदा होता जा रहा है। पहले हमें लग रहा था कि शायद ये दिल टूटने का मामला है, इसलिए जानवी भाग गई और कहीं कुछ गलत या उल्टा सीधा ना कर बैठे। लेकिन अब उसके पेरेंट्स ने बताया है कि उनके जॉइंट अकाउंट में से 2 लाख रुपए विड्रॉ किए गए हैं। क्या मैडम सर, कोई भी आत्महत्या करने वाला इंसान 2 लाख रुपया का क्या करेगा? एग्जैक्टली मैडम से ये काम जॉन का भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ है। हाँ, और जॉन ने निकाला है तो जानवी इतना पैसा क्या करने वाली है, वही समझ में, मतलब वही तो सवाल है। भगवान ने आपको मेरे जैसी शक्ल, मेरे जैसी नाक दी होती ना, तब पता चलता। जिसे लगती है दर्द भी वही जानता है। मैं ये सब बदलना चाहती हूँ। मैं भी अपनी नाक को लेके बहुत परेशान थी। ऐसा हो सकता है कि वो अपनी नाक की प्लास्टिक सर्जरी करा रही हो, इसीलिए उसे इतनी बड़ी रकम की जरूरत पड़ी। अब मैडम सर, आप हमें परमिशन दीजिए, हम ये मामला रफा दफा कर देंगे, हम इस टंटे को ही खत्म कर देंगे। आप समझिए हमारी बात को, बस आप हमें परमिशन दीजिए। हम पहले आपसे कह चुके करिश्मा सिंह, हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैम, मैडम जी जानवी सवेरे मेरे घर आई थी और मुझे शादी के लिए प्रपोज करने लगी थी। वो तो जी सीरियस हो गई शादी के लिए, बोलने लगी मुझे। मैडम जी, आपने उसकी नाक देखी, इतनी लंबी नाक, तोते जैसी। मैंने उसके मुंह पे कह दिया कि यार तेरी नाक मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, तोते जैसी। रिजेक्शन। उस लड़के ने, जॉन ने जानवी को इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि उसके हिसाब से उसकी नाक बहुत ज्यादा लंबी है और वो खूबसूरत नहीं है। हो सकता है कि जानवी ने ये पैसे अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए विड्रॉ किए हों। करेक्ट। चीता चतुर्वेदी, संतोष शर्मा, शहर में जितने भी प्लास्टिक सर्जरी के हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी सर्जन हैं या इससे रिलेटेड जितने भी क्लिनिक्स हैं, सबकी इंफॉर्मेशन निकालिए, सबके डिटेल्स निकालिए, क्योंकि इन्हीं में से किसी एक जगह
हम जानवी की मिस्ट्री सॉल्व कर पाएंगे। चलिए चलिए लेट्स गो। चलिए। मैं भी एक जप्पी मार लेता हूँ। बदन बहुत दर्द कर रहा है, फील वेरी बैड। इस हड़बड़ी में नींद ही नहीं हुई मेरी। चलो हमारे साथ। कहाँ? जानवी को ढूंढने। अरे डॉक्टर साहब, देखिए अभी तो इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ नहीं बोल सकते। सिस्टर हे शिव जी, उठाइए इसे। नहीं नहीं, वो वाला उठाइए नहीं, इसे उठाइए, होश में लाइए, क्योंकि अगर ये होश में नहीं आया ना तो फिर हमारे थाने का होश उड़ जाएगा और बेचारी मैडम सर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी। और आया आया आया, होश में आया। मैडम जी टाइम क्या हुआ? क्यों भाई? मैडम जी प्लीज टाइम बताइए क्या हो रहा। वक्त 11 बज गए। 11 बज गए? हाँ क्यों? मैडम मैं तो पुलिस थाने में था, ये अस्पताल में क्या कर रहा हूँ? मेरे को दुष्टम जिम में होना चाहिए था। हैं? ओह माय गॉड, मेरे डोले के साइज़ 1 mm कम हो गया। ओ मैडम जी, हाँ तो एक्स्ट्रा चमड़ी भी आ गई। फोन दो फोन दो। मेरी जोलाइन गायब होगी मैडम जी, इतनी जम मेरे को तो जिम जाना होगा अभी। मेरे को जिम अरे जाना होगा। ये क्या कर रहे हो तुम? डॉक्टर साहब नर्स देखिए, पेशेंट को होश आ गया। क्या कर रहे हो ये? क्या करो तो तुम्हें आराम की जरूरत है। अरे तुम कमजोर हो, देखो बेहोश हो जाओगे, मत करो ये, उठो। अरे ठीक है, हम आप टेंशन मत लो। उठो। क्या? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ए भगवान, अरे क्या? अरे जॉन सर, पांव पर आंखें खोलो। पांव पर जॉन सर, जॉन सर, अरे क्या किया आपने? साहब जल्दी आइए। अरे क्या किया है आपने? हमने? अरे ये होश में आया था, अब भी होश में आया था और आपने इसे फिर से बेहोश कर दिया। अरे क्या बकवास कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ना ये होश में आया था, अभी अभी फिर से बेहोश हो गया है। अरे लूट मची है क्या? ऐसे कौन बार बार बेहोश होता है? अरे मेरे क्लाइंट को आप ही ने बेहोश किया है, क्योंकि अगर इसको होश आ गया तो ये आपके SHO और थाने के खिलाफ बयान दे देगा, इसलिए आप चाहते हैं कि इसको होश आए ना। पर क्या बकैती किए जा रहे हैं आप, समझ में? तो जाइए, क्या कर रहे हैं आप? हॉस्पिटल है, ICU है। जी जी जी, माफ कीजिए। देखिए पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये जो बेहोश हुए हैं वो किसी भी तरह के फिजिकल वायलेंस के कारण नहीं हुए हैं। सुना? यानी कि थाने में इन्हें फिजिकल या मेंटल टॉर्चर नहीं किया गया है। ये भी सुना? तो फिर बेहोश क्यों है ये? अरे आराम से ये बेहोश हुए हैं, ये खुद अपनी लाइफस्टाइल की वजह से, ओवर एक्सरसाइज और जिमिंग की वजह से इन्हें कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है ये। 2-4 घंटे रेस्ट करेंगे तो होश में भी आ जाएंगे और पूरी तरह से ठीक भी महसूस करेंगे। और आप सुन लिया ना, बहुत धरना वरना कर रहे थे हमारे थाने के सामने, अब दिखाते हैं तुमको। डॉक्टर साहब चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? प्लीज इनके पेरेंट्स को बुलवा लीजिए। पेरेंट्स को? मगर क्यों, क्या हुआ? वैसे हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी मगर पता चला कि वो विदेश में रहते हैं। देखिए किसी ना किसी को तो इनकी जिम्मेदारी लेनी होगी, ये देखने में इतने स्ट्रांग है लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा वीक है। इसकी वजह है इनका लाइफ स्टाइल, जीरो डाइट, शॉर्ट टाइम में बॉडी बनाने के चक्कर में लाइफ भी शॉर्ट हो सकती है, और ये बात ये जल्द से जल्द समझ ले उतना अच्छा है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।
जानवी, हमें SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। हम तुम्हें बहुत वक्त से ढूंढ रहे हैं, इनफैक्ट तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है तुम्हें लेकर, ठीक है? चलो आओ हमारे साथ। क्या हुआ? चलो जानवी। सॉरी मैम। इट्स ओके, कोई बात नहीं जानवी। प्लीज मैडम, मुझे जाने दीजिए। मैं सिर्फ अपने नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहती हूँ और कुछ नहीं, इसलिए मैं अपने घर से निकली हूँ। जैसे प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। ट्रस्ट मी मैडम, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। भैया हम समझते हैं, लेकिन तुम ये बात काहे नहीं समझ रहे हो कि घर वालों को अगर बता दोगी कि तुम अपना नाक का प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहती हो तो उसमें क्या दिक्कत का बात है? पेरेंट्स मेरे हाथ में टैटू नहीं बनवाने देते, और आपको लगता है कि नाक की प्लास्टिक सर्जरी के लिए परमिशन देते वो? कभी नहीं। मेरे पेरेंट्स बहुत पुरानी सोच के हैं, बहुत पुरानी। प्लीज मैडम। देखो जानवी, जब हम तुमसे उस दिन मंदिर में मिले थे तो हमने तुमको कहा था कि तुमको खुद को बदलने का जरूरत नहीं है, तो तुमने हमको कहा था कि पहले खुद सोचिए फिर हमको नसीहत दीजिए, याद है? यही कहा था। लेकिन आज हमने सोच लिया कि हमें क्या करना है, हम जैसे हैं ना हम वैसे ही रहेंगे, हम खुद को नहीं बदलेंगे, किसी के लिए नहीं बदलेंगे। जैसे पैदा हुए हैं, जैसे भगवान ने बनाया, बिल्कुल अच्छा बनाया, हमने एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि हमको ना इंसान का दिक्कत समझ में आ गया है, इंसान अपना आधा जिंदगी दूसरों को अपनी तरह बनाने में निकाल देता है और आधा जिंदगी खुद को दूसरों की तरह बनाने में निकाल देते हैं, यही करता रह जाता है वो। लेकिन जब हमने इस बात को समझ लिया कि हमको अपने आप को किसी के लिए नहीं बदलना है, तो आज हम तुम्हें पूरे विश्वास के साथ ये नसीहत दे सकते हैं कि तुमको भी खुद को किसी के लिए नहीं बदलना है। अमां सूरत तो रोज बदल रहा है, हर मिनट बदल रहा है, उसका क्या मोह करना? मन में प्यार होना चाहिए। प्यार होता है ना तो सब बेमानी लगने लगता है, सच बता रहे हैं तुमको। ये सिर्फ बोलने की बातें हैं मैडम, ये रूहानी खूबसूरती, इंटरनल ब्यूटी, ये सिर्फ कहानी किस्सों में अच्छी लगती है, हकीकत में नहीं। सच तो ये है कि सारा खेल इस चेहरे का है, सिर्फ इसी से प्यार है, इंसान को किसकी पड़ी है। करेक्ट। बिल्ले, हमारा भी वैसे ही इससे। मैडम यहाँ किसी को किसी का प्यार पाने के लिए एक ही क्वालिफिकेशन काफी है, वो है आपकी खूबसूरती और कुछ नहीं, आपकी गुड लुकिंग। तो मैडम मैं अपना प्यार पाने के लिए सब कर रही हूँ तो गलत क्या कर रही हूँ? जानवी बात को समझो, खुद को खोकर प्यार पाना वो प्यार नहीं होता है, उस प्यार का उम्र नहीं होता है। तुम गलत जगह गलत इंसान पे अपना प्यार, अपनी भावनाएं, अपना दिमाग, अपना दिल इन्वेस्ट कर रही हो, समझो। प्लीज मैडम मुझे आपकी कोई सीख नहीं चाहिए, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही कि जो आप मुझे रोके। मैं अडल्ट हूँ, मैच्योर हूँ, मैं अपना फैसला खुद ले सकती हूँ, आ जा सकती हूँ कहीं भी। प्लीज मैडम मुझे जाने दीजिए। देखो तुम, मैडम इसके बाद आपने जबरदस्ती की ना, मैं अपनी जान दे दूंगी, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगी। क्यों क्यों टेंशन ले रही हैं आप? मैडम सर का केस है, आपका केस नहीं है, वो जाने क्या करना है उसके साथ, वो करेंगे। आप इसके बीच में क्यों घुसपैठ कर रहे हैं? घुसपैठ हो चुका है बिल्ले, वो भी मैडम सर से पहले, समझे? बैठिए बैठिए बैठिए, बताइए क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? हम जो है आपसे जानवी के बारे में बात करना चाहते हैं। डॉक्टर चौधरी जी से मिलना है हमको। वो अभी बिजी हैं और ऑलरेडी उनके साथ अंदर एक लेडी पुलिस ऑफिसर मौजूद है, तो मैडम आपको थोड़ा वेट करना होगा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, उसके बाद आप जा सकते हैं। धन्यवाद। ओके। जानवी को तो आप जानते ही हैं, आपकी पेशेंट है, नाक की सर्जरी करवाना चाहती है आपसे। जी हाँ। हम चाहते हैं कि ये सर्जरी ना हो। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझा नहीं। हम समझाते हैं। देखिए दरअसल बात यह है कि जानवी एक लड़के से बहुत प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, लेकिन वो लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता, वो उससे प्यार ही नहीं करता, वो सिर्फ उससे फ्लर्ट कर रहा था, ये बात हम जानते हैं। लेकिन जानवी को ऐसा लगता है कि वो लड़का उससे उसकी लंबी नाक की वजह से शादी नहीं कर रहा, इसलिए उसे रिजेक्ट कर रहा है, इसलिए वो सर्जरी करवाना चाहती है। हमें डर इस बात का है कि सर्जरी हो जाने के बाद भी जब दोबारा वो लड़का जानवी को रिजेक्ट कर देगा तो वो सह नहीं पाएगी, इसलिए हम चाहते हैं कि वो ये सर्जरी ना करे। ठीक है,
नहीं करूंगा जाह्नवी की सर्जरी, लेकिन क्या जाह्नवी यही सर्जरी किसी और डॉक्टर से नहीं कराएगी? देखिए मिस मलिक, मैं एक डॉक्टर हूं, अगर मैं हर मरीज को इस तरह मना करता रहूंगा तो मेरे क्लिनिक का खर्चा, मेरे ऑफिस का खर्चा कहां से निकलेगा? आप मेरा लॉस क्यों कराना चाहती हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीजें जिंदगी में कभी कभी फायदे और नुकसान के ऊपर उठ के सोचनी चाहिए, क्या पता कि आप एक इंसान की जिंदगी बचा लें, इसलिए मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। कौन है आप? कौन हूँ मैं? जिसके पीछे पड़ जाओ उसके मुंह से निकले हाय हाय, स्पाय, जो हम कहते हैं वही करना चुपचाप, वरना आपके पीछे यमराज खड़ा हाय। क्या चाहते हैं आप लोग? जाह्नवी उसकी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करेंगे, आप नहीं करनी है आपको उसकी प्लास्टिक सर्जरी, समझे? देखिए ये गलत कर रहे हैं आप, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, करिश्मा जी पीछे जाइए, पीछे जाइए और फोर्सफुली आइए वापस। हेलो मैडम, मैं जाह्नवी का डॉक्टर। रिमेम्बर आप हॉस्पिटल में आई थी, मुझसे मिली थी। आप हाँ कहिए। मैडम आप जो कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी, वो बात मुझे बाद में समझ में आई, अभी आप जैसा कहेंगी जो कहेंगी मैं करूँगा। अचानक से आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? मैडम वो क्या हुआ? आपने जो दो लाइनें बोली थी ना, वही याद करके मैं इमोशनल हो गया था और मैं तो रो भी पड़ा था। आपने बोला था ना कभी कभी हमें फायदे नुकसान से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, मैं भी जैसा आप कहेंगी बिल्कुल वही करूंगा। मैडम मैं आपके साथ हूँ। कहिए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, बस आप बोलिए। ये सब हम आपको बाद में बताएंगे, सर्जरी के ठीक पहले। हाँ, ओके मैडम, ओके मैडम। जब आपको सही लगे, जैसे लगे। ओके। अगर तुमने हमारी बातें किसी को बताई तो ये यमराज फिर आएंगे, अभी तो खाली हाथ लौट रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपके प्राण हरण कर जाएंगे। कौन है आप लोग? मैं तो जानता नहीं आप लोगों को। ओ स्मार्ट डॉक्टर, ब्रेन इज योर वेरी स्मार्ट, गुड, वेरी नाइस। तो कमाल हो गया मैडम सर, मतलब डॉक्टर मानिए मदद करने के लिए, आखिरकार आपके जादू का छड़ी काम कर ही गया मैडम सर। बहुत अजीब सी बात नहीं है कि वो अचानक से मान गया मदद करने के लिए, मतलब हमें मिलकर जो है वो डॉक्टर बहुत ही प्रैक्टिकल और मनी माइंडेड किस्म का इंसान लगा था, फिर ऐसा क्या होगा कि उसने खुद फोन करके हमें ऑफर दिया कि वो हमारी मदद करना चाहता है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इस सब के पीछे हमारे जज्बात नहीं, करिश्मा सिंह का भौकाल है? कहाँ है, कहाँ करिश्मा सिंह? यहाँ है मैडम सर। जय मैडम सर।
जय हिंद करिश्मा सिंह। हुक्म कीजिए। कहाँ थी आप? का फर्क पड़ता है कि हम कहाँ थे कहाँ नहीं थे? सीनियर ने हमको याद किया है जूनियर हाजिर अपनी ड्यूटी बजाने के लिए। अब आप ये मत कहिएगा कि आपको ये केस सॉल्व हमारे तरीका से करना है। अगर ऐसा है तो बताइए क्या करना है? सपने देखने पर अगर टैक्स होता ना करिश्मा सिंह, तो ये पूरी दुनिया कंगाल होती। बहुत अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है, इसलिए देखिए आप भी सपने देखिए, क्योंकि ये केस तो हमारे तरीके से ही सॉल्व होगा। अगर ऐसा है मैडम सर, तो हम बहुत व्याकुल हैं आपके जज्बातों का नया रंगमंच देखने के लिए। हम भी देखते हैं कि आप इस असंभव को संभव कैसे करती हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।